बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में भले ही ब्लैक फंगस के मामलों में कुछ कमी आई हो, लेकिन इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती होने वाले ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, MY अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन मरीजों का आना लगातार जारी है। आपको बता दें कि अस्पताल में फिलहाल 77 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं 3 से 4 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। MY अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल से 624 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं इस खतरनाक बीमारी से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इंदौर में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और 1100 मरीजों की इंडोस्कोपी भी की जा चुकी है। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास अभी वर्तमान में 77 मरीज भर्ती हैं। कल 2 मरीज और भर्ती हुए थे, तो रोज ही 2, 3 या 4 ऐसे मरीज भर्ती हो रहे हैं अभी भी, और 624 मरीज अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं और 57 मरीजों की डेथ हुई है। तो इस तरह से लगभग 750 से ऊपर मरीजों का हम लोग अभी तक इलाज कर चुके हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है MY अस्पताल में। और इसके साथ में करीब इनके 900 ऑपरेशन हो चुके हैं और 1100 से ऊपर इनकी एंडोस्कोपी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो गया है ब्लैक फंगस। अब इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ब्लैक फंगस के केस आना खत्म हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग उसको खात्मे की तरफ बढ़ेंगे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को।